तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं आप कैसे गेम खेलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो इस ऐप का नाम है बिग कैश। अगर आप ये गेम खेलने में माहिर हो जैसे रमी, कोलब्रेक, फ्रूट चॉप, कार रेस, फैंटेसी क्रिकेट और भी बहुत सारे, तो आप भी बिग कैश पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको 20 रुपए का बोनस मिलेगा और जब आप अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो आपको पर यूजर 30 रुपए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, जब भी कोई यूजर 100 रुपए से ज्यादा इस ऐप में ऐड करेगा तो आपको हर बार 5 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो पैसे ऐड करके, और अपने सारे जीते हुए पैसों को आप यूपीआई या बैंक से विड्रॉ भी कर सकते हो। अभी अपने दोस्तों को या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो इस ऐप को और रेफरल बोनस भी लो। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करो। प्ले बिग, विन बिग। तो दोस्तों, किंग ऑफ बीजीएमआई के सीजन 3 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। और गाइस, हम एक नया गिव अवे लेकर आ चुके हैं जो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करेगा उसके लिए है। वहां पर जो गिव अवे होगा तो उसके लिए हमारा पहला टारगेट है 10,000 लाइक्स का। तो सभी जाओ, अपना खुद का पेज है यार, जाकर लाइक फॉलो कर दो। और वहां पर भी आपको बिहाइंड द सीन्स, फनी कस्टम्स और भी बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे, तो उसको जाओ लाइक कर लो। हमारे ग्लॉक गेमिंग का फेस रिवील भी वहां पर हो चुका है। तो चलो आज का एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं, पर पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप हमारी आगे की स्टोरी देख पाओ। मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी कर लो, फिर साथ में स्टोरी देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ बताओ, खबर क्या है? मुझे पता है फेरो के माँ बाप को किसने मारा था और क्यों मारा था। उसका नाम कैसे बनता है? फेरो के माँ बाप? अपने कौन से क्या लेना देना, मैंने तो सोचा था कोई फेरो की खास चीज की खबर मिली होगी तुझे, पर ये तो एकदम बकवास है। ये बकवास नहीं, खास खबर ही है। तुमको नहीं पता होगा, फायरो और किंग सगे भाई नहीं है। फायरो के बाप ने 2 शादी की थी, पहली फायरो की माँ और दूसरी किंग की माँ। फिर लड़ाई में केवल फायरो की माँ और उसका बाप मरा था। अब आया कुछ समझ में या नहीं? पर तेरी खबर से तो अलग है ये। जो तूने कहा तुझे पता है किसने मारा फेरो के माँ बाप को, तो ये बताना किलर कौन है। मुझे भी बस इतना ही पता चला है, फायरो के माँ बाप को उसके साथ वालों ने ही मारा था। उसका नाम कैसे बनता है और फायरो के साथ अभी भी 2 बंदे हैं, कुकड़ुकू और किंग। कुकड़ुकू के बस की बात नहीं है ये, और किंग पर शक कर सकते हैं हम। पर तू ये बता, ये खबर तुझे मिली कहाँ से? एक अच्छा खबरी कभी अपने रिसोर्सेज नहीं बताता। तुम अपनी खबर पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और माल जितना बड़ा होगा खबर भी उतनी ही माल मिलेगी। माल तो मिल जाएगा, पर ये खबर इतनी काम की नहीं लगी। कुछ बढ़िया सा प्रूफ लेकर आ कि किसने मारा या पूरा नाम पता कर कातिल का। इससे बढ़िया खबर तो मिल ही ना सकती भाई। देखो, तुम इस खबर से फायरो और किंग को अलग कर सकते हो। वैसे भी ये किया तो उनमें से ही एक ने है, किंग या कुकड़ुकू ने। चलो ठीक है, माल मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, अब इंजॉय करो जाकर। अरे टेरर भाई, एक कमाल की खबर हाथ लगी है फेरो की। कहो तो जला दे फेरो की लंका। अबे खबर क्या है ये तो बता, गन्ना चूस के। फेरो के माँ बाप को किसने मरवाया था ये खबर दी है उस खबरी ने। सोचो अगर ये सच हुई तो फेरो किंग को छोड़ेगा नहीं, और हम भी उससे कुछ डील कर सकते हैं इस खबर के बदले। फेरो साड़ा पूरा चलाक आदमी है, वो फूटी कोड़ी तकना देगा तुझे, और किंग तो उसका भाई है। खबर जचना रही यार, झूठ भी हो सकती है, गन्ना चूस के। अपने को तो तुक्का भिड़ाना है, अगर हमारा वार निशाने पर लगा तो किंग का पत्ता साफ और फेरो अकेला हो जाएगा। खबर बताने के बदले में उससे उसका मिलिट्री बेस ले लेंगे, फिर मजा आएगा ना बीड़ू। चल गब्बर, तू ये काम कर, मैंने रेस्टोरेंट के लिए एक जगह देख रखी है, वहां सामान भिजवाना है, बहुत काम है, चलता हूँ मैं भी, गन्ना चूस के। मैं फेरो को फोन करके बुला लेता हूँ खबर देने, उसको जब ये पता चलेगा तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। फेरो सुनो, मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में खबर मिली है,
खबर तो पुरानी है पर बहुत काम की है। हाँ बताओ क्या खबर है। ऐसे नहीं, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, जल्दी आ जाओ उधर सब काम छोड़कर। ये फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, अगर बतानी है तो बता अभी फोन पे, नहीं तो निकल पहली फुर्सत में। निकलना तो निकल पहली फुर्सत में, पर एक बात सुनकर जाना, खबर तेरे बाप के बारे में है, अभी भी मौका है, मैं वेट करूंगा वहीं पर। किसका फोन आया था फैरो भाई? गब्बर का फोन आया था, बोल रहा था हमारे बाप के बारे में खबर है कुछ, मैं जाकर आता हूँ उसके पास एक बार। ठीक है मैं यहीं मिलूंगा, जाओ मिलकर आओ तुम। हाँ बता क्या बात है, क्या खबर है मेरे पिताजी की तेरे पास? पर बताने से पहले एक बात ध्यान में रखना, अगर कुछ उठपटांग खबर निकली ना तो तेरी खैर नहीं, मेरी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं, पहले की तरह टिड्डा बना दूंगा तेरे को। अरे कुछ गलत खबर नहीं है फैरो भाई, बल्कि मैंने तो तुम्हारी फैमिली के कातिल को ढूंढ निकाला है। मतलब क्या है तेरा कहने का? मतलब यही कि जिसने भी तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना मीरामार में, उसका पता है मुझे, उसका नाम के से बनता है, गैस करो कौन हो सकता है। काला? नहीं काला तो नहीं हो सकता यार, वो तो पहले जानता ही नहीं था मुझको, छोड़ो तुम ही बता दो कौन था जल्दी। ऐसे ही थोड़ी बता दूंगा, बदले में तुम्हारा मिलिट्री बेस चाहिए मुझे। देखो एक बात, या तो तुम्हारे माँ बाप के असली कातिल का पता लगा लो या फिर अपना मिलिट्री बेस बचा लो। बता तू कौन था, आज से मिलिट्री बेस तेरा हुआ, बता अब जल्दी। वो कातिल है किंग, उसने ही राजा बनने के लिए तुम्हारे माँ बाप को मारा था, और जब तुम तपस्या करने गए हुए थे तो पीछे से सबको मारकर वो और उसकी माँ राज करते रहे 5 सालों तक, फिर तेरे आते ही वैसे ही नाटक करने लगे और वहाँ से भाग गए। साला धोखेबाज, मैंने तो आस्तीन का सांप पाल रखा था उसकी, तो उसकी खैर नहीं अब। किंग धोखेबाज तू नहीं बचेगा अब मेरे हाथों से। अपना काम हो गया, अब टेरर भाई को लेकर मिलिट्री बेस पहुंचते हैं अपने नए घर में। अच्छा तो ये बात है, ये साला कैसल वाला बाबा फैरो के साथ मिला हुआ है, चलो कोई ना इसको भी देख लेंगे, पर पहले काला बोस को यहाँ बुला कर लाता हूँ। बोस चलिए, पता चल गया उस कैसल वाले बाबा का, वो फैरो के साथ मिलके वहीं उसके घर में बैठा है, चलो उसको मार कर आते हैं। पर हम उनको मार कर गुंडागर्दी तो नहीं फैला रहे ना, कहीं अपना नाम खराब तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं बोस कुछ नहीं होगा, एक इंटरनल खबर निकल के आई है, क्लो गेमिंग न्यू करेक्टर ऐड करने के बोल रहा था, तो पुराने एक दो बंदे को भी मारना जरूरी है ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी तो बचाने हैं अपने। अच्छा फिर ठीक है, चलो उसको मारने चलते हैं। अब बाबा जी पहचाना क्या, कैसल की याद नहीं आ रही क्या तुमको? काला दी गैंगस्टर तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरे किंग हूँ मैं यहाँ का, एक बॉर्ड भी हिलता है ना तो मुझसे पूछने आता है पहले, वो तुझे ढूंढना कौन सा मुश्किल था? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे तुम लोग, क्या चाहिए मुझसे? अरे चाहिए नहीं, तुमको कुछ देने आए, पर उससे पहले हम ये जानने की इच्छा रखते हैं कि तुमने फैरो के साथ हाथ क्यों मिलाया, जबकि उसने तो तुमको पहले मारा था। मुझे बस रहने के लिए जगह चाहिए थी और मैं ढूंढता यहाँ पहुंच गया, मुझे नहीं पता था ये फैरो का घर है, फिर हमारी डील हुई, मैंने अपनी सारी पावर्स फैरो को दे दी और बदले में सारा मिलिट्री बेस ले लिया फैरो से। अच्छा तो फैरो भी शक्तियाँ ले गया तुझसे, ये भी ठीक है। एक बात और बताओ फिर, तुमको कैसल की याद नहीं आ रही विकेंडी वाले की, जाना नहीं चाहते हो वहाँ पर? बहुत याद आ रही है, पर करें क्या, अब जा भी नहीं सकते हैं ना वहाँ पर, वीकेंडी जो खत्म हो चुका है ना, इसलिए मैं पहुंचा सकता हूँ। कैसे? ऐसे
ओए चल सनी देवल, पहला टारगेट खत्म अपना। अरे गब्बर टेरर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमें पूछना चाहिए काला भाई तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे मिलिट्री बेस में? अबे क्या बोले जा रही है, कुछ नशे तो ना करके आया तू आज? ये फेरो का एरिया है और मैं किंग हूँ यहाँ का, कहीं भी यहाँ जा सकता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है अपने को। फेरो का एरिया था, अब ये हमारा है, फेरो ने हमको दिया है, अब ये एक डील हुई है हमारी। चल सही है, यहाँ एंजॉय करो। मैं चला और ऊपर ना कैसल वाले बाबा की पेटी पड़ी है, उसको ठिकाने जरूर लगा देना। ये काड़ा भी आते ही बंदे ठोकने लग गया। मैंने तो सोचा था सीजन 3 एक प्यारा सा लव स्टोरी वाला बनाएंगे, पर लग नहीं रहा होगा, पेटी चमकना चालू हो गई है गन्ने की कसम। मैचा वो दोनों साले पुलिस वाले अपने पीछे ही है, क्या करे, मार दे क्या इनको भी? चलो मार ही देते हैं, वैसे भी कोई काम के नहीं है ये, हमारे कौन सा काम आएंगे, हमारा पीछा करके क्या ही निकालेंगे। चल फिर एक काम करते हैं, तू रेडी रहना, मैं बाइक रोक दूंगा, तू फटाक से मार देना इनको। क्या बात है मैचा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अरे ऊपर क्या देख रहा है? अबे कौन है ऊपर? पर ऊपर तो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो ऊपर वाला देख रहा है हमें ये करते हुए? अरे नहीं नुबड़े, वीडियो देखने वालों को बताऊं क्यों मारा है हमने इनको और ये हमारे पीछे क्यों पड़े थे? अबे तो पहले भी तो बोल सकता था तू ये बात। तो दोस्तों, मैं ब्लड रेवन, कैमरामैन मैचा के साथ स्वागत करता हूँ आपका ग्लॉग गेमिंग न्यूज में। तो अभी मैं बताता हूँ ये हमारे पीछे क्यों पड़े थे। तो ये पुलिस वाले थे और इधर मीरामार के गुंडे को पकड़कर उस पर नजर रखे हुए थे, पर वो गुंडा हमारा दुश्मन था क्योंकि उसके पास हमारी कुछ खुफिया जानकारी आ गई थी, इसलिए उसको मारना जरूरी था कि कहीं वो पुलिस वालों को न बता दे और हम दोनों पुलिस स्टेशन में घुसकर ठोकाते हैं उसको। तो बस इसलिए ये दोनों पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे थे और हमने इनको ठोक दिया। तो बस दोस्तों, आज की न्यूज़ में इतना ही, फिर मिलेंगे कैमरामैन मैचा के साथ। मैं ब्लड रेवन, BGMI न्यूज़ हेडक्वार्टर ग्लॉग गेमिंग, जय हिंद। अरे फेरो भाई, मिला है क्या गब्बर से? क्या बता रहा था वो पिताजी की खबर के बारे में? बड़ा चालाक बन रहा है साले किंग, मुझे तेरी असलियत पता लग चुकी है, गब्बर ने मुझे सब कुछ बता दिया, मेरे पिताजी को मारने वाला तू ही है क्योंकि तू मेरी सौतेली माँ का बेटा है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या फेरो भाई? मानता हूँ सौतेला भाई हूँ तुम्हारा, पर ये मत भूलो कि बाप तो एक ही था हमारा। मैं कैसे मान लूं तू सच बोल रहा है? मुझे तो तुझ में 100% शक उसी टाइम हो गया था जब तू हमारे सेनापति की ड्रेस पहन के आया था, नहीं तो तेरे पास वो कपड़े कहाँ से आते और तेरे कपड़े कहाँ गए? अरे वो मुझे नहीं पता, पर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो पिताजी के मरने के बाद अपनी माँ को लेकर चला भी गया था वहां से। मुझे पता है बॉस, आपके माँ बाप को किसने मारा? बता किसने? पर उससे पहले आपको किंग की हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी या उसकी अनटोल्ड स्टोरी देखनी पड़ेगी जो अगले वीडियो में आएगी।
तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो किंग की अनटोल्ड स्टोरी देखने के लिए कौन कौन बेताब है कमेंट करके हमें जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और चैनल पे बहुत सारे लोग यार बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते रहते हैं, तो भाई ऐसा मत करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियोज भी देखने को मिलेंगी। और गाइज हमने अपना ऑफिशियल फेसबुक का पेज लॉन्च कर दिया है और उस पर 5,000 लोगों ने तो फॉलो भी कर लिया है। आप कहाँ वेट कर रहे हो, जाओ जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। वहाँ पे बिहाइंड द सीन्स जितने भी चीजें जो हम सेकंड चैनल पे डालते थे वो अब हमारे फेसबुक पे आया करेंगी, और जो हमारे सेकंड चैनल पे आएंगी वो आएंगी माइनक्राफ्ट की हीरो ब्रेन वाले वीडियोस। तो सब्सक्राइब कर लेना। I'm rich.